सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसलम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसलम अलैका या حبيب الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله मीठा मीठा है मेरे मुहम्मद का नाम मीठा मीठा है मेरे मुहम्मद का नाम उन पर लाखों करोड़ों दरूद ओ सलाम मीठा मीठा है मेरे नाम हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी सच्ची रसीने में मौजूद है हमने लाकर किला में इलाही दिया हमने लाकर किला में अलाही दिया जो मुहम्मद मदीने मैं मौजूद है हमने लाकर किला में अलाही दिया जो मुहम्मद मदीने में मौजूद है मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्ली मौला या सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्ली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी व्यूअर्स आए लाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त प्यारा सा व्लॉग माशाल्लाह जी आज हमें सुनाई फातिमा ने और मियाँ उस्मान ने प्यारी प्यारी नातें। तो माशाल्लाह जी छोटे छोटे क्लिप्स से हमारी नातों के जो हमने आपको सुनाए हैं और उम्मीद है कि आपको आज की ये हमारी छोटी सी महफिल पसंद आई होगी। तो माशाल्लाह जी आज हम शेयर कर रहे हैं अपनी सारा दिन की रूटीन। माशाल्लाह जी हमारे दिन का आगाज़ हुआ सहरी से और सहरी में हमने बनाए ज़बरदस्त से वेजिटेबल पराठे और ये मियाँ उस्मान और फातिमा की फरमाइश पे बनाए गए कि हमें सहरी में खाने हैं तो हमें बनाकर दे। तो माशाल्लाह जी जल्दी से मैंने सहरी जो है वो तैयार करनी शुरू कर दी और ज़बरदस्त से जो पराठे हैं वो बनाए और बच्चों को सहरी में खिलाए। तो जी व्यूअर्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई से नई वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो जी व्यूअर्स यहाँ पर ज़बरदस्त पराठे जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं माशाल्लाह जी बहुत ही मज़ेदार बने थे और ये जो अमेज़ा हमने तैयार किया था ब्रेड पॉकेट्स का वही अमेज़ा हम जो है पराठों में लगाकर मज़ेदार से पराठे बनाए बहुत ही ज़बरदस्त पराठे तैयार होते हुए और उम्मीद है कि आपको भी हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी और अगर पसंद आती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हर घर में सहरी जो है वो मज़े की बनाई जाती है सबकी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा खाना बनाकर अपनी फैमिली मेम्बर्स को खिलाया जाए। तो माशाल्लाह जी बच्चों की फरमाइश पर जो खाना तैयार किया गया और यहाँ पर ज़बरदस्त पराठे जो हैं वो फ्राई किए जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं माशाल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार थे। आप भी वेजिटेबल का मेज़ा लगा कर ज़बरदस्त से पराठे तैयार कीजिएगा और बताइएगा
कि आपको ये खाने में कैसे लगे। तो माशाल्लाह जी हमारे कुरकुरे क्रिस्पी मज़ेदार से पराठे जो वो तैयार हो चुके हैं, और माशाल्लाह जी देखिए अंदर से भी कितनी ज़बरदस्त इनकी फीलिंग जो है वो नज़र आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बने थे, बच्चों ने बैठकर मज़े से सहरी की और आपके साथ ज़बरदस्त सा भी लोग जो है वो शेयर किया जा रहा है। और माशाल्लाह जी आज 17वां रोज़ा जो है वो मुकम्मल हो चुका है, और अल्लाह ताला सबकी दिली मुरादों को पूरा कर दे। जैसे जैसे रमज़ान चल रहा है बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छे दिन गुजर रहे हैं, और हमारी भी कोशिश होती है कि अपने व्यूवर्स के लिए अच्छे से अच्छे व्लॉग लेकर आए, अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आए। तो माशाल्लाह जी यहाँ पर हमारे बच्चे जो हैं वो सहरी करते हुए, जल्दी से बच्चों ने सहरी अपनी मुकम्मल की और इसके साथ नमाज वगैरह अदा की, और इसी तरह हमारा जो है वो दिन गुजरता गया। और आज मैं आपको मिलवाती हूँ प्यारी सी किटी से, ये है मानो, और ये बहुत ही नखरों वाली है, बहुत ही शरारती है। तो जी व्यूअर्स हमारा दिन तो बहुत अच्छा गुजरा, हमने बहुत सारे काम किए, जैसे रमज़ान चल रहा है और इसके साथ साथ ईद की भी तैयारियां जो हैं वो हम कर रहे हैं। कहीं घर की सफाई कर ली, कहीं कपड़े सिलाई करवा लिए, कहीं कुछ कर लिया, बस इसी तरह सारा दिन गुज़र जाता है। और माशाल्लाह जी इफ्तारी का टाइम जो है वो आ जाता है, और यहाँ पर ज़बरदस्ती हमारी इफ्तारी भी लग चुकी है, जिसमें हमने बनाए हैं सैंडविच और इसमें लड्डू हैं और हसबे ज़रूरत चीज़ें जो हैं वो रखी इफ्तारी के लिए। और माशाल्लाह जी अभी हम करेंगे इफ्तारी, अभी इफ्तारी में थोड़ा सा टाइम है, और बच्चे जो हैं वो दस्तरखान पर बैठ चुके हैं और माशाल्लाह जी दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह ताला सबकी दिली मुरादों को पूरा करे, जो ज़रूरतमंद हैं जिनकी कोई ख्वाहिशात दिल में है अल्लाह ताला उनकी सब ख्वाहिशात को पूरा कर दे। और माह रमज़ान इतना प्यारा महीना है कि जितनी भी दुआएं मांगी जाएँ उतनी ही कम हैं, और इस महीने में हर दुआ कबूल हो जाती है। अगर आप भी दिल से दुआ मांगेंगे तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर पूरी हो जाएगी। तो माशाल्लाह जी यहाँ पर इफ्तारी जो है वो हो चुकी है और बच्चे जो हैं वो इफ्तारी कर रहे हैं। उम्मीद है व्यूअर्स आपको हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो हमें प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।